नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 82.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, किसानों को 17,773 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी जी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 82.44 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 17,773 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि 1 नवंबर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केंद्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कामन धान की 2040 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसमें मिलाकर अधिकतम 39.600 रुपए का भुगतान होता था। इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65.100 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। मार्क फंड के महाप्रबंधक श्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 16,67,790 किसानों से 82,44,476 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 17,773 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। धान खरीदी के साथ साथ कस्टम में मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 68,55,366 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया, जिसके विरुद्ध में मिलियर्स द्वारा 48,23,145 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल राज्य में 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।